दोस्तों, हर गृहिणी अपना काम अगर स्मार्टनेस के साथ करे तो जो काम है वो आसान तो होता ही है, साथ में हम अपने लिए समय और पैसा दोनों ही बचा सकते हैं। तो ऐसे ही यूज़फुल से पैसा वसूल टिप्स लेकर आ गई हूँ। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली टिप की देख लेते हैं। सबसे पहली टिप है मेरी पानी की बॉटल को लेकर। जो ये बिस्लरी की बॉटल होती है ना, इनका हम यूज़ नहीं करते हैं और इनको कबाड़ समझ कर फेंक देते हैं। तो इनका भी बहुत अच्छे से अपने घर और किचन में यूज हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, इसको कट कर लीजिए। यहां पर मैंने सीजर से इसको कट कर लिया है, आप नाइफ का भी यूज कर सकते हो। तो ये जो बॉटल है, ये अपने बच्चों को आप दे दीजिए पेन पेंसिल इरेजर रखने के लिए। चीजें उनकी ऑर्गेनाइज भी रहेगी और उनको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगी। या अपने किचन में यूज कीजिए नाइफ का सेट रखने के लिए, या फिर स्पून स्पैचुला, ये सब कुछ आप इसमें अरेंज करके रख सकते हो। साथ में आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, कलर कर दीजिए या कोई भी पेपर इस पर चिपका दीजिए, या सुंदर सी इसमें पेंटिंग बना दीजिए अगर आपको आती है तो। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही बढ़िया सा जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइजर बन जाएगा, जो कि आपने वेस्ट पानी की बोतल से बनाया है। तो आपको ये दोनों में से आइडिया कौन सा अच्छा लगा जरूर बताइए। अब देखते हैं दोस्तों दूसरी टिप है पिलो कवर को लेकर। अक्सर हमारे पास बहुत सारे पिलो कवर होते हैं जो पुराने होते जाते हैं, फट जाते हैं, उनका हम किसी भी तरीके से यूज नहीं करते हैं और नए नए हम यूज करने लगते हैं। तो पुराना पिलो कवर का इतना अच्छा यूज हो सकता है, आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो यहां पर मैंने पुराना पिलो कवर ले लिया है, अब आप इसको किचन में यूज कीजिए। चाहे तो आप इस पे रोटी वगैरह बनाते हैं, हम चकला रखते हैं उसके नीचे बिछाकर आप रोटी बेलोगे ना, तो आपका जो चकला है बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। या फिर आप सब्जी वगैरह कट करने के लिए भी इसको बिछाकर यूज कर सकते हो। या फिर इस तरीके से इसमें पॉलिथीन डाल दीजिए, अंदर की साइड इंसर्ट कर दीजिए जो आटा बैग होता है, और सिलाई करके ये बहुत ही अच्छा सा आपका मैट बन जाएगा। तो जब भी हम सिंक में बर्तन धोते हैं तो बहुत सारे बर्तनों में पानी निकलता रहता है, जिसकी वजह से पूरा स्लैब है जो गीला हो जाता है। तो आप इसको बर्तनों को रखने के लिए यूज में लीजिए। अगर इसके अंदर जो पॉलिथीन होगी ना, वो सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और आपके बर्तन बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। जब ड्राई हो जाए तो इनको आप सुखा दीजिए। कैसी लगी टिप आपको जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी टेप को लेकर। जितनी भी हमारे पास टेप होती है ना, तो इसका जो किनारा होता है ना, उसको ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। नेल से हम इसको खुरच कर देखते हैं, लेकिन इसका जो किनारा है बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो ऐसा क्या करें जिससे कि इसका जो छोर है वो हमें मिल जाए और हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं और फिर इसको यूज़ करने के बाद ऐसे ही चिपका देते हैं, फिर दोबारा यही प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए देखिए, छोटी सी और सिंपल सी टिप शेयर कर रही हूँ। आपको लेनी है कोई भी पिन ले लीजिए, टूथपिक लीजिए, या फिर हेयर क्लिप होती है ना, जिस जो वेस्ट पड़ी हो उसको आप ले लीजिए और इस तरीके से टेप के रोल में एडजस्ट कर दीजिए। तो जब भी आप इसको यूज़ करोगे ना, तो इसके जो आलपिन या फिर पिन वगैरह हमने लगाई है ना, ये जो क्लिप्स लगाई है, इसके यूज़ से आपको बहुत अच्छे से इसका जो है छोर मिल जाएगा। अगर आप क्लिप का यूज़ भी नहीं करना चाहते हो, हेयर पिन का यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से सिंपल सा इसको फोल्ड करके और इसको चिपका दीजिए। फोल्ड करने से भी इसका किनारा आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएगा और आप इसको यूज़ भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाओगे। आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से फोल्ड करने का जो आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी, कोई सी भी बोतल हो, चाहे पानी की बोतल हो या फिर इस तरीके से विनेगर की बोतल हो, क्या होता है ना, इनके जो ढक्कन मतलब खो जाते हैं, बच्चे वगैरह यूज़ करते हैं, सॉस की बोतल होती है ज़्यादातर उनका यूज़ करते हैं, तो बच्चों के हाथ में चली जाए तो ढक्कन को ज़रूर खो देते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि इनका ढक्कन कोई और बोतल का नहीं लग पाता है और ये चीज़ें हमारी है जो ख़राब हो जाती है। तो इंस्टेंट वाला ढक्कन बनाने के लिए क्या करना है, हमें लेना है फॉइल पेपर और फॉइल पेपर को इस पर अच्छे से कवर कर देना है। तो कोई टुकड़ा आप ले लीजिए फॉइल पेपर का। देखिए, जो फॉइल पेपर होता है ना, वो अपना आकार खुद ब खुद ले लेता है। तो आप इसको जैसी भी शेप में डालना चाहते हो ना, तो वैसा ही ये निकल कर आता है। तो इस तरीके से आप ना इंस्टेंट वाला इसका ढक्कन भी बना सकते हो। बस आपको रखना है इसके से मुँह के ऊपर, बॉटल के मुँह के ऊपर इस तरीके से इसको दबा देना है। तो ये जो बन गया आपका बहुत ही बढ़िया सा ढक्कन, जिसको आप यूज़ करने के बाद फिर दोबारा से लगा सकते हो और निकाल भी सकते हो। तो इस तरीके से अगर आपके ढक्कन खो जाए किसी भी बोतल के, तो आप फॉइल पेपर का यूज करके इंस्टेंट वाले ढक्कन बना सकते हो। तो यहां पर देखिए, मैं अच्छे से इसको फिक्स कर रही हूं, अच्छे से हाथ से दबा रही हूं। अब ये हमारा देखिए बहुत ही बढ़िया सा ढक्कन बन गया है। जब आपको यूज करना हो तो इसको निकाल लीजिए और इस तरीके से कैप की तरह इसको पहना
दीजिए। ये बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपकी भी बॉटल, सॉस की बॉटल, विनेगर की बॉटल या कोई सी भी बॉटल का ढक्कन गुम हो जाए तो फॉइल पेपर से यूज़ करके आप इसका ढक्कन बना सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया टिप है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टिप है दोस्तों दाल चावल को लेकर। हमारे घर में जितने भी कंटेनर होते हैं ना दाल के, चावल के, इकट्ठा हम दाल इनको फिल करके रखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम इनको फिल करके रखें बहुत सारी क्वांटिटी में दाल लेकर आए ना, तो क्या होता है इनमें कीड़े लग जाते हैं, घुण भी लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी दाल बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब 1 kg तो देखिए कंटेनर में डालना ही होता है, जब भी हम दाल चावल इकट्ठा लेकर आते हैं तो इस तरीके से कंटेनर में भर के रख देते हैं। अब हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी दाल है जो जल्दी से खराब ना हो, ना ही कीड़े पड़े और ना ही इनमें घुन लगे। तो लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही यूनिक सी टिप शेयर कर रही हूँ, जिससे कि आपके पैसे भी खर्च नहीं होंगे और आपकी जो दाल है बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक फ्रेश रहेगी। आपको लेने हैं फॉइल पेपर के इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स, और इस तरीके से लेकर और इसमें डाल दीजिए। जितनी भी दाल आप यूज़ करते हो, जितने भी कंटेनर दाल के भरे हों, तो उनमें सब में आप फॉइल पेपर का यूज़ कीजिए, छोटी छोटी बॉल्स बना लीजिए और अच्छी तरीके से इनको दाल के अंदर डाल दीजिए। तो यहाँ पर देखिए जो आप यूज़ करते हो ना, जैसे टिफ़िन वगैरह में हम जो देते हैं फॉइल पेपर, अगर वो बच जाता है तो उनको भी मत फेंकिएगा, उनकी भी आप बॉल्स बनाकर आप इन चीज़ों में डाल सकते हो। दाल हो चाहे चावल हो, सब चीज़ों में आप इस तरीके से बॉल्स बना के डाल दीजिए। दाल को अच्छे से ऊपर नीचे कर दीजिए ताकि है ना जो कीड़े वगैरह हैं वो अच्छे से नीचे तक, मतलब जो फॉइल पेपर डालते हैं ना उससे क्या होता है कि नीचे तक भी कीड़े नहीं लगेंगे। अच्छी तरीके से इसको आप हिला दीजिए ताकि है ना आपकी जो दाल है लंबे समय तक फ्रेश रहे। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है दाल चावल को फ्रेश रखने की, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और आप अपने दाल चावल को कैसे स्टोर करते हैं, कीड़ा से कैसे बचाते हैं ज़रूर बताइए। अब देख लेते हैं दोस्तों लास्ट टिप, जो कि है ऑरेंज को लेकर। संतरे का सीज़न है, सर्दियों में संतरा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी आता है, मीठा आता है और हम इसका यूज़ भी करते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है, यानी बहुत ही अच्छा होता है। इसको खाने से विटामिन सी की कमी नहीं होती है, बच्चों को ये ज़रूर देना चाहिए। यानी इसमें सिट्रिक जो होता है ना वो होता है, तो जिसकी वजह से विटामिन सी की कमी है जो पूरी होती है। अब क्या करते हैं कि हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसे ऑरेंज खाने में अच्छा होता है ना संतरा, वैसे ही इसके जो छिलके होते हैं ना वो भी काफ़ी ज़्यादा इनसे बेनिफिट होता है। तो छिलकों को आप कभी मत फेंकिएगा। छिलके का आप कुछ आपको कैसे यूज़ करना है, मतलब इसको छीलने के बाद आप बच्चों को दे दीजिए, बच्चे हैं जो संतरा खा लेंगे, लेकिन जो छिलके हैं ना वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। स्किन के लिए भी ये छिलके बहुत ही बढ़िया है। इनको सुखाकर आप इनका फेस पैक बना सकते हो, कितनी भी कील झाइयाँ मुहासे हो रहे हो ना फेस पर, तो उसके लिए बहुत ही अच्छे से ये पैक काम करता है। साथ में जो आपकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लो करती है, यानी फेशियल जो ब्लीच होती है ना उसकी तरह ये काम करता है। तो ब्लीच का जो काम होता है ना वो आपका ये फेस पैक कर सकता है, तो आप इस तरीके से इसका पाउडर ज़रूर बना के रखिए। दूसरा तरीका है इनको आप ना छिलकों को क्या कीजिए, सुई धागे में इस तरीके से चेन की तरह बना लीजिए, यानी है ना सुई धागे से इनको सिल लीजिएगा। आप सोचोगे कि सुई धागे का क्या यूज़, तो देखिए दोस्तों सुई धागे से है ना इसकी एक चेन बना लीजिए। इसमें जो फ्रेग्रेंस आती है ना, जो खुशबू आती है बहुत ही अच्छी होती है, जो कि आपके लिए ना ये फ्रेशनर का काम करेगा। चाहे आप इसको रूम में हैंग कीजिए, बाथरूम में यूज़ कीजिए या फिर अपनी किचन में यूज़ कीजिए। छिपकली वगैरह भी नहीं आती है इसकी खुशबू से, और साथ में आपके बाथरूम में जो गंदी बदबू आती है ना वो भी नहीं आएगी। रूम फ्रेशनर की तरह ये काम करेगा। इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको रूम फ्रेशनर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धागे में पिरो के इन छिलकों को, और आप इसको कहीं पर भी कील या हुक पर हैंग कर दीजिए, चाहे बाथरूम में कीजिए। बाथरूम में जो बहुत ही गंदी स्मेल आती है, चाहे कितनी भी सफाई कर ले लेकिन वो स्मेल जाती नहीं है, तो आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। जब तक ये फ्रेश रहे तब तक बहुत अच्छे से खुशबू आएगी, लेकिन जब ये सूख जाए तो आप इनको निकाल कर इनके अंदर धागे के अंदर दोबारा से यूज़ करके आप इनको यूज़ कर सकते हो, यानी दोबारा दूसरे छिलके आप यूज़ कर सकते हो। रूम में भी आप इसका यूज़ कीजिए, किचन में भी यूज़ कीजिए, बहुत ही बढ़िया रूम फ्रेशनर का काम करता है। चलिए इसको हैंग करना भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर गेट पर ही, दरवाजे पर ही इसको ऐसे हैंग करके दिखा दिया है। आपके अगर कील वगैरह हो बाथरूम में या किचन में या रूम में, तो आप वहाँ पर हैंग कीजिए, बहुत ही बढ़िया सा ये आपका रूम फ्रेशनर
बन जाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये वाली ट्रिक तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो छिलके का यूज़ इतना बढ़िया हो सकता है, दो तरीकों से मैंने बता दिया है, जो भी आपको पसंद आए वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।